अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, आज मैंने जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो स्टॉक पिक किया है वो TRG है। इससे पहले मैंने टेलीकार्ट और नेटसोल का भी मैंने एनालिसिस शेयर किया था। अच्छा, इसका भी अगर हम अभी अपसाइड देखें तो ये तकरीबन इसने हाई किया था 185-186 का, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पे ये इसका शुरू हो गया था, ये एरिया जो है, ठीक है। यहाँ से ये अपसाइड थी मार्केट की, यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये डाउन साइड आ गई मार्केट, ये डाउन ट्रेंड मार्केट का, सॉरी स्टॉक का शुरू हो गया। और फिर इसने जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये गैप गैप ओपनिंग करता हुआ यहाँ पे आया तकरीबन लो जो गया था 75 का, और RSI पे इसका बहुत ओवरसोल्ड जोन में था। मैं RSI भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो इसका ये था, इसका RSI तकरीबन 23 के अराउंड, ठीक है। फिर यहाँ से इसने ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और ये गैप फिल किया। टेक्निकल में जैसे मैंने को बोला, ग्लास जो जो गैप होते हैं उनको फिल होना ज़रूरी है, तो सूनर और लेटर वो गैप फिल होते हैं, तो गैप हैज़ टू बी फिल। तो यहाँ पे फिल किया इसने, और इसका जो हाई, वैसे तो गैप यहाँ तक फिल होना था 121, इसका टारगेट भी हमने 121 का ही दिया था, लेकिन इसने यहाँ पे हाई किया। फिर यहाँ पे ये देखें अगेन, यहाँ पे इसने गैप गैप ओपनिंग दे के एक ये पिन बार बेयरिश कैंडल पिन बार की शक्ल में बनाए 129 के अराउंड। फिर यहाँ से हमने अगेन ये नोज डाउन देखा, और जो उसका लो था उसको भी दोबारा इसने रिटेस्ट किया 75 के अराउंड, ठीक है। और इसी के बाद फिर इसने जब आ रहे जाते मार्केट फिर नीचे आती रही, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ। फिर इसका जो लो जो था वो 65 के अराउंड, इसका भी टारगेट मैंने सोशल मीडिया में दिया था कि 65-66। तो ये यहाँ पे इसका ये इसने वही अपना रिटेस्ट किया लेवल, और इसके बाद जो है ये स्टॉक, मैं थोड़ा जूम इन करके बता दूँ आपको, इसके बीच में ये जो बैंड है, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड, ठीक है, और वो बनता है 72, 77 और 81, इसी के बीच में ये एक्यूमुलेशन, इसमें एक्यूमुलेशन फेज में ये चला गया, और काफ़ी इसने एक्यूमुलेशन की यहाँ पे। और फिर इसका ये जो मैंने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है इनिशियल, इसका इसका ब्रेकआउट मिला हमें यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी एक डोजी, अगर आप देखें तो यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी 28 जुलाई को, और इसके बाद जो है स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है, और इसका हाई जो था वो है 101 रुपये, यहाँ पे भी पता चल जाएगा कितना हाई किया था इसने, 101 नहीं 102 रुपये, ठीक है। इसका वैसे जो ब्रेकआउट जो ट्रेजेक्ट्री थी वो 99 से लेके 102 रुपये 80 पैसे के थे। अगर इसके ऊपर ये इसको ब्रेकआउट करके इसको सस्टेन करता है और अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो ये फिर इसमें मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं। और ये जो इसका जो वापस एक ये चैनल टॉप, अगर यहाँ से रिजेक्शन आई थी ना तो ये वापस उसको रिटेस्ट कर सकता है 130 के अराउंड, तो ये एक एक टारगेट हो सकता है। और इसके बीच में जो है ये वाला एक रेजिस्टेंस होता है, 113 हो सकता है बीच में, और ये वाला एक रेजिस्टेंस हो सकता है, सॉरी 102 के बाद 113 का रेजिस्टेंस है, हाँ 113, 130, ये यहाँ पे एक इसमें आप देख सकते हैं, 120 भी है, जो मैंने पहले भी कहा था ये वाला एक रेजिस्टेंस है, 113, 120 और 130, ये हम वापस टारगेट अचीव होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो है बहुत मुश्किल है, उसके दो तीन रीज़न मैं आपके साथ, टेक्निकली रीज़न है, मैं आपको शेयर करता जाऊँ आपके साथ, इसको थोड़ा जूम इन कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी यहाँ पे, ठीक है, एक बड़ी बेरिश पिन बार हुई है जो इसको एनगल्फ किया है, ये वाली जो कैंडल थी जो हाई किया था इसने, और ये तकरीबन इसने हाई किया था इस कैंडल का, आपको बता दूँ 99.80 का यहाँ पे इसने हाई किया था, और इसको देखें निगेट किया इसने एंगल के, हालांकि इसने भी इससे भी हाई बनाया, और इसका अगर विक भी ले लें तो 102 रुपये के अराउंड था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे इसके जो ओपनिंग थी उसकी अराउंड हुई, तो इसको निगेट किया और उसको एंगल किया इस बुलिश कैंडल को, और इसके बाद देखें ये नीचे की तरफ परफॉर्मेंस आ रही है। अभी जो मैंने इनिशियल सपोर्ट बनाई है वो ये वाली कैंडल के थ्रू बनाई, ये छोटी जो कैंडल है इसके, इसी को अभी तक इस पर ये स्टॉक ऑनर करता हुआ अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया 22 अगस्त, इसके बाद इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे देखें फिर अगेन डोजी फॉर्म हुए, इन्वर्टेड हैमर हुआ, पिन बार हुआ, या इसको आप ग्रेव स्टोन डोजर भी कह सकते हैं, लेकिन ये अब ये देखें ये ट्यूजर टॉप की शक्ल इख्तियार कर गया है, जो एक बेरिश पैटर्न है या बेरिश कैंडल है, तो यहाँ पे आप मोहतात रहें, क्योंकि यहाँ पे ये अगर ये, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये दो
कैंडल फॉर्म हो और ये डोजी फॉर्म हो, मॉर्निंग स्टार ऑन हायर फ्रेम, सॉरी हायर साइड पे, जैसे इस वक्त इसका RSI था 67 पे था 65, तो ये एक ओवरबॉट जोन में था। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी दो कैंडल फॉर्म होती है उसके बाद जो बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, दैट मीन्स ये जो है ट्यूजडे टॉप है, और ट्यूजडे टॉप जो है एक बेरिश कंटिन्यूशन का इंडिकेशन है। तो और दूसरा आपके साथ एक और भी चीज़ है, इसको मैं लाइन चार्ट के साथ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दो रीज़न मैंने आपको बता दी हैं, तीसरी रीज़न देखें यहाँ पे, एक मैंने लाइन क्रिएट की है जो अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है। ये आप इसको नोट कर लें, देख लें ये अपवर्ड जा रही है। अब मैं आपके साथ RSI शेयर करता हूँ, जो डाइवर्जेंस देखें, ये उसी, ये डाइवर्जेंस आ रही है उसी पे, वो अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है वहाँ पे कैंडल में, और ये RSI में लोअर साइड पे, ये नीचे के साइड डाउनवर्ड साइड पे जो है ये इसका जो डाइवर्जेंस आ रहा है वो बेयरिश है, तो इसलिए इसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, वैसे भी हायर साइड पर है। अच्छा, अब हम सेकंड, ये तो आपको मैंने तीन इंडिकेशन बता दी हैं बेयरिश कंटिन्यूएशन की। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके CPR की तरफ, ठीक है। अच्छा, CPR जो है, अगेन ये 91 का जो है लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इस वक्त अप ट्रेंड में आ गया। ये भी आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ, मैं आपके साथ यहाँ पे बता देता हूँ, आपको जो मुझे फॉलो करें उनको पता होगा कि अपवर्ड ट्रेंड के लिए जो है वो MA 200 का ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इसको 200 कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ये इसके नीचे, अभी तक तो ये नीचे पर, यहाँ पर इसके नीचे परफॉर्म कर रहा था, देखें नहीं, ये कैंडल रिटेस्ट करके बुलिश कैंडल बनाई थी, फिर यहाँ पे एक ये वाला जो लेवल था वो था। अब इस पर जो बन रहा था, यहाँ से अगर हम देखें इसको, हम अगर ले लें ये वाला जो इसका हाई था वो 91 के अराउंड बन रहा था, और इसने हाई भी 91.71 का किया था। इसके बाद देखें इसके ऊपर अपर साइड पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, लेकिन अपर साइड पे भी इसको एनगल्फ नहीं किया, इसको निगेट भी नहीं किया, तो यहाँ फिर अगेन ये डोजी फॉर्म हुआ। फिर यहाँ से हमने, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बता दूँ, यहाँ से फिर हमने अगेन अपवर्ड मूवमेंट देखी। तो इसको अगर हम देखें तो इस वक्त अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में जैसे आपको पता है कि एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे की साइड पे, डाउन साइड पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये आपको बता रहा है बेरिश कंटिन्यूएशन, तो हो सकता है कि ये वापस इसको रिटेस्ट करे, ये वाला लेवल जो है, जो CPR का मिडिल बैंड है 88.56 के अराउंड बन रहा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सेंटीमेंट मार्केट के एक चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, कोई बैड न्यूज आ जाता तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों टूटने के लिए ही होते हैं। तो इस वक्त तो ये सपोर्ट मिडिल बैंड है CPR का, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्केट भी गई है, अप ट्रेंड में गई है, फिर वापस नोज डाउन बहुत नीचे आई है। वो सब आपने जो स्टॉक में काम ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली, उनको सब पता है कि ऐसा भी हुआ है कि जैसे मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट दिखाई, क्रॉस किया उसको 200 MA को, और उसके बाद लोगों ने एंट्री की दबा के, और उसके बाद मार्केट, तो इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर देखें इकोनॉमी के हवाले से, तो इस पर पॉजिटिव ट्रिगर आपको पता है कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें तो बहुत डिक्रीज हो रहा है। मैंने अभी जो वीडियो शेयर की इससे पहले KSE 100 की, तो उसमें भी मैंने नीचे लिंक पे दिया हुआ है कि 7,000 समथिंग है, 151 यहीं के इसी अराउंड। तो हम मार्केट के लिए, स्पेशली बिजनेस के लिए, मार्केट के लिए कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको भी देखा करें, पॉजिटिव ट्रिगर देखा करें। डॉलर हायर साइड पर है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आगे जाके देखें 4 हफ्तों बाद अगर मॉनिटरी पॉलिसी, अगर IR बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट 16 पे, तो ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आता है। बहरहाल कट शॉर्ट करते हैं, टेक्निकल की तरफ आते हैं। तो इस वक्त ये देखें, इस वक्त जो सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है वो 88.56 के अराउंड है मिडिल बैंड पे, और ये जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर CPR की अपर बैंड पे यहाँ पे आता है 91.63, यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेरिश है तो, जाहिर सी बात है अगर यहाँ आकर RSI लो होता है तो यहाँ पे अपर बैंड पे बाय बनती है, 91 के अराउंड यहाँ पे बाय बनती है विथ स्टॉप लॉस ऑब्वियसली। देखिए यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो हमेशा CPR का यही होता है कि CPR का अपर बैंड जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, इवन यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं थोड़े सी आप चंक्स में विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो देखें ये 86, 84, ये जो है
यहाँ पे कोई विग बनती है या मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार डोजी बनता है, तो उसको आप सेल नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे पहले देखेंगे, इसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखें, आप इसको देखें। और अगर आपने लगाना है तो फिर ये वाले इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं, 8180 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि फिर अगेन ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। और फिर अगर ये इसी बैंड के अंदर एंटर हो गया तो फिर आपको मूवमेंट भी हो सकता है, आने वाले दोनों इसी बैंड के अंदर आपको मूवमेंट दिखाए। तो स्टॉप लॉस करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसका वेट करें इस लेवल का 8470 का, यहाँ पे आप बाय ना करें, 8470 पे बाय करें, फिर इसका स्टॉप लॉस आप 82 के 80 8180 के अराउंड 8182 इसके जो क्लोजिंग बेस पे आप इसके नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। और इस वक्त जो सपोर्ट लेवल जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 80 रुपीज़ का है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। मैं आपको दो लेवल बता रहा हूँ, 84 और 80, ये आप जो है बाय कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट आएगी, आप सेल करें फॉरन, ऑब्वियसली यहाँ पे ये मूवमेंट जरूर दिखाएगा, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप जो है ना टीआरजी में ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।